सकारात्मक फाउंडेशन ने बलकेश्वर पार्वती घाट के सकारात्मक भवन में रक्तदान शिविर लगाया। शिविर में संस्था से जुड़े 82 सदस्यों ने रक्तदान किया। सकारात्मक फाउंडेशन और लोक हितम ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में तीसरी दफा ये अवसर है जब एक वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और मेरा ये सौभाग्य है कि इन तीनों कार्यक्रमों से मेरा जुड़ाव रहा है और तीनों बार मैंने अपने संस्थान के बाकी लोगों के साथ में ब्लड डोनेशन का एक समाज सेवा का कार्य किया है। वास्तव में हमारे देश में दान की प्रथा बहुत प्राचीन रही है और इन दानों में भी रक्तदान का आज के आधुनिक समय में बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि जो लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उनको अपनी प्राण रक्षा के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, रक्त का जो ब्लड बैंक में हमारे पास स्टोरेज है वो बहुत कम होता है, तो समाज के लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ के रक्तदान दें और जो लोग रक्त देते हैं उनका भी इसमें लाभ है, क्योंकि जो नया रक्त बनता है वो ज़्यादा प्योरीफाइड होता है। तो ये एक अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रक्त दें और बाकी समाज के लोगों को जागरूक करें। ये यहाँ पे सकारात्मक फाउंडेशन की तरफ से हमारे चंद्रेश गर्ग जी अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो उनके द्वारा ये लोक हितम क्या ना ब्लड बैंक द्वारा यह ब्लड दिया जाता है यहाँ पर, और इन्होंने तीन साल, आज तीसरी साल है, तो यहाँ इन्होंने तीन साल से लगातार ब्लड डोनेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग दूर दूर से देने के लिए यहाँ पर ब्लड देने के लिए आते हैं और ब्लड की सख्त ज़रूरत है आज के उसमें जीवन में।